लेकिन किसान का एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे। उसको ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा। वो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं कैथल जिले की पूरी जनता और वैसे तो पूरे हरियाणा का ही ये प्रोजेक्ट होता है, एक प्रकार का मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हुआ है। इससे पहले कल अम्बाला के एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था, कुछ दिन पहले यमुनानगर के भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। हरियाणा में जब हम आए थे 2014 में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज 15 मेडिकल कॉलेज ऑपरेटिव हैं, 8 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर लगातार इस क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, परिणाम ये होगा कि 2014 में केवल 700 मेडिकल यानी MBBS की सीटों का एडमिशन होता था, और जब ये सब मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे 3 साल या 4 साल के बाद 3,500 और MBBS के विद्यार्थी वो एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनेंगे। सर, जो मिनी PGI बनने की बात करते थे कि कैथल में हमने मिनी PGI बना दी है, देखिए मेडिकल कॉलेज अपने आप में PGI का एक स्वरूप होता है। आखिर यहाँ व्यवस्थाएं कैसी खड़ी होंगी उसका मुकाबला PGI से अपने आप होगा। PGI का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट होता है, और जब मेडिकल कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएट की क्लासेज तो होती हैं तो उसका नाम PGI है। यहाँ जो होगा वो मेडिकल कॉलेज होगा। कॉलेज और PGI के नाम का ही अंतर होता है, बाकी तो फैसिलिटी जितनी जहाँ होती है उस फैसिलिटी के हिसाब से अलग होता है। मैं इसकी जानकारी लूंगा। आज आपने जो बताया एक बासमती को जो है वो खरीद है वो बंद कर दिया है एक्सपोर्टर ने, कि उनकी मांग है कि जो उनको 850 प्रति टन के हिसाब से ही उसकी बिक्री हो, तो किसानों की जो फसल है वो सर के ऊपर है, लेकिन निर्यातक ने बासमती का जो राइस है वो बंद। देखिए ये केंद्र सरकार की प्लानिंग है, एक्सपोर्ट की प्लानिंग है, एक्सपोर्ट को और उन्होंने जो MEP है उसका रेट बढ़ाया है, और जो उसी लेवल का उसी क्वालिटी का जो चावल है वही जा पाएगा। उससे जो थोड़ा कम किस्म का हल्के किस्म का जो चावल है वो देश में ही उसको खरीद बेच कर सकते हैं। आखिर ये अपनी नीति होती है सरकार की, केंद्र सरकार की। कॉमर्स और जो एक्सपोर्ट का काम है वो केंद्र सरकार का काम है, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उसी हिसाब से जो है इन लोगों को अपने काम को करके बाकी डोमेस्टिक मार्केट में करेंगे। सर, संबोधन में आपने सर GST को लेकर बोला है, सर GST को लेकर सर बोला है 2015 में लोकायुक्त के सर आदेश आए थे, 69 अधिकारी हैं सर जो उनको गिल्टी होल्ड किया गया, सर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, केवल सिरसा में ही हुई है सर अभी तक, जबकि कैथल गुड़गांव सभी जिले। मुझे लगता है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन है, हाईकोर्ट में केस गया हुआ है और हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा। स्टबल बर्निंग की केसेस लगभग 500 के आसपास दर्ज हुए हमारे पास, और मैंने आज भी कहा है अपने अधिकारियों को कि ये जो पिछले साल की अपेक्षा कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी हमें पता है कि अब स्टबल का यानी पराली का जो उपयोग है वो कमर्शियल उपयोग शुरू होना हुआ है। मैंने कैथल जिले में कई जगह देखा कि आज ढेर के ढेर स्टबल के वहाँ हैं और लोग उसका कमर्शियल उपयोग कर रहे हैं। बेचने वालों को मुझे समझ नहीं आता, यानी जलाने वालों को समझ नहीं आता क्यों जला रहे हैं। आखिर जो बिक्री के लिए एक मार्केट ओपन है तो उनको बेचना ही चाहिए, जलाने का कारण नहीं है। फिर भी हम जानकारी लेंगे ऐसे किसानों को, बेचने यानी जलाने की नौबत क्यों आई है, नहीं जलने देंगे और उनको समझाएंगे भी सही, और मानो फिर भी नहीं मानते हैं सख्ती कराएं। सर, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार बहुत हरियाणा में हो रहा है, सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये तो आप लोग जानते हैं कि उस समय 10 साल में क्या भ्रष्टाचार होता था, क्या नहीं होता था। नौकरियाँ भी बिकती थी, 10 लाख 20 लाख रुपए जब तक कोई नौजवान देता नहीं था तब तक नौकरी का उसको यानी उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। आज बिना खर्ची बिना पर्ची के अगर नौकरी मिलती है, मैं तो जनसभा में जनसंवाद में पूछता हूँ कि भी पिछले 10 साल में किसी ने कोई पैसा मांग भी लिया हो तो भाई आज बता दो, हम एक्शन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति है अपना किसी ऑफिस में जाता है, किसी काउंटर पर जाता है, उसका तुरंत काम होता है, और ऑनलाइन सिस्टम का इतना लाभ हुआ है कि जब हमने ह्यूमन इंटरफेस कम कर दिया है तो प्रश्न ही नहीं होता इस प्रकार का भ्रष्टाचार का। लेकिन वो जो कोई विपक्ष है, नाम विपक्ष का वही होता है जो पक्ष का आलोचना करे। अगर पक्ष की आलोचना ना करे, सर लगातार मंडियों में पहुंच रही है, जबकि अलॉटमेंट से भी मिलोगी पूरी हो चुकी है करीबन, तो बढ़ाने के लिए सर लगातार मांगे की जा रही है क्या? नहीं नहीं, अगर यानी धान हमारे पास आएगा तो हम उन मंडियों का जो कोटा है वो बढ़ाएंगे क्यों नहीं, यानी मिलों का कोटा बढ़ाएंगे। आखिर मिलों को तो सबको बराबर मिल जाए तो जितनी अनुमान होता है उस अनुमान के हिसाब से उसका कोटा तय किया जाता है। अनुमान के हिसाब से प्रोक्योरमेंट अगर हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो उनका भी बढ़ा सकते हैं, या जिन जिलों में अभी कम प्रोक्योरमेंट हुई है उन जिलों में डाइवर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन किसान का
एक एक दाना जो है वो हम खरीदेंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। वो जो ग्रुप डी की अभी 21 और 22 तारीख को परीक्षा होनी है, तो हमने रोडवेज के हमारा जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उनको ये निर्देश दे दिया है कि उनको सबको आने जाने का जो किराया है वो मुफ्त होगा, उसमें कोई किराया नहीं लगेगा। उनका जो कार्ड है, जो उनको एक एडमिट कार्ड मिलता है, उसी के ऊपर ये प्रिंट करके दे देंगे, और जिस दिन उसको परीक्षा देने जाना है उस डेट के आने और जाने का उसका कोई किराया ये नहीं लगेगा। ये जानकारी आपको सर, आज बरसात हुई है और कैथल मंडी की अगर बात की जाए सर, सेड के कारण सर जो किसानों की जो धान बीज रही है सर, कोई व्यवस्था सर जल्दी की जाएगी? देखिए, अभी आज दो नए शेड का शिलान्यास किया है, पहले दो शेड हैं वहाँ कितने, तो दो के बाद दो और ये हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर मांग होगी तो हम और नए शेड भी बनाएंगे। हम किसान की तकलीफ में हर समय उसके साथ खड़े हैं, और किसान के बारे में जो बिक्री का विषय है, कुछ लोगों ने बताया कि फसल ज़्यादा है, तो हम ये भी विश्वास दिलाते हैं कि उसका एक एक दाना ये खरीदा जाएगा। और हमने तो जिन किसानों की फसल ज़्यादा है उनका जो लिमिट है, जो अभी 30 क्विंटल प्लस 10% था, उसको 35 क्विंटल प्लस 10% करने जा रहे हैं, ताकि ऐसे किसान अपनी फसल को पूरे का पूरा बेच सकें, एक भी दाना किसी का बचने नहीं देंगे।